गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर्स लेकर के। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, वो आपके किसी भी दोस्त से या साथ में तैयारी करने वालों से छूट ना जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो हमारा पहला न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू आईएसएस सेट फॉर X4 मिशन, यानी भारत के पहले एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इन 2025 इंडिया विल मेक हिस्ट्री अगेन इन स्पेस विथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलटिंग द XM-4 और X-4 मिशन। यानी 2025 में शुभांशु शुक्ला जी पहले भारतीय बन जाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले होंगे, और ये XM-4 मिशन के तहत स्पेस में जा रहे हैं। दिस मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो X-4 मिशन है ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एग्रीमेंट विथ अक्सियम स्पेस एन अमेरिकन कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन सेंडिंग ह्यूमन टू स्पेस। यानी इसरो ने एक अमेरिकन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस अमेरिकन कंपनी का नाम है ऑक्सियम स्पेस, जो कि इंसानों को स्पेस भेजने के लिए ही जानी जाती है। तो इसी कंपनी से एग्रीमेंट करके इसरो जो है शुभांशु शुक्ला जी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने वाली है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज है स्पेस से जुड़ा हुआ, चाइनाज चांग-E6 मिशन रिटर्न्स यूनिक लूनार सॉयल सैंपल्स। यानी चाइना ने अपना एक लूनर मिशन यानी चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजा था, और वो वहाँ पे गया, जिस तरीके से हमारा चंद्रयान था वो वहाँ गया, और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आ चुका है वापस। चाइनाज चांग-E6 मिशन हैज सक्सेसफुली कलेक्टेड सॉयल सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। यानी मून से सैंपल्स लेकर के ये अर्थ पे वापस आ चुका है। इसरो भी चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें सेम तरीके की कैटेगरी जो है रखी गई है। यानी चंद्रयान-4 जाएगा, मून पे लैंड करेगा और वहां से मून के सैंपल्स लेकर के आएगा, जिसके ऊपर यहाँ इसरो के साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले हैं। तो चाइना का चांग-E6 ये काम करके वापस आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग अपॉइंटेड एज न्यू एनसीबी डायरेक्टर जनरल। यानी कि आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग जी एनसीबी के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। एनसीबी क्या है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। और जो हमारे आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग जी हैं, ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो ये अभी बन गए हैं डायरेक्टर जनरल एनसीबी के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज हमारा डिजीज से जुड़ा हुआ है, जोर्डन बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रसी। यानी जोर्डन दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है कि वहां अब लिप्रेसी के कोई भी मरीज नहीं है। लिप्रेसी क्या है? ये एक डिजीज है जो कि स्किन को हार्म पहुंचाता है, स्किन को इन्फेक्ट करता है। इट कैन इफेक्ट द स्किन, आईज, नर्व एंड लाइनिंग ऑफ नोज। स्किन को, आंखों को, नर्व्स को और नोज लाइनिंग को ये क्या करता है? इम्पैक्ट पहुंचाता है। कॉज्ड बाई बैक्टीरिया माइकोबैक्टेरियम लेप्रे। यानी जो लेप्रसी है डिजीज, ये किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो माइकोबैक्टेरियम
लेप्रे उस बैक्टीरिया का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेप्रेसी किस डीजीएम किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। मनु बाकर अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। मनु बाकर जी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हैं शिपिंग और वाटरवेज है उसकी ब्रांड एम्बेसडर चुनी जा चुकी हैं। तो चुनना भी चाहिए, देश का नाम रोशन किया है इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज की तरफ। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम MAL, यानी वैज्ञानिकों को एक नया ब्लड ग्रुप सैंपल मिला है जिसका कि नाम रखा गया है MAL। इसके बारे में आइए कुछ खास बातें हम लोग जानते हैं। द MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम इज नाउ 47th ऑफिशियल ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी अब तक जितने भी ब्लड ग्रुप्स मिले हैं उसमें अब जो है एक और नया नाम जुड़ गया है और अब तक टोटल 47 ब्लड ग्रुप्स मिल चुके हैं। द MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम इंक्लूड्स एम एंड एन एंटीजेंस। इसमें दो तरीके के एंटीजेंस प्रेजेंट है MAL ब्लड ग्रुप में, एम टाइप का एंटीजन और एन टाइप का एंटीजन, विच आर डिटरमाइंड बाई द ग्लाइकोफोरिन ए जिन। और इसका डिटर्मिनेशन यानी इसकी पहचान किससे होती है, ग्लाइकोफोरिन ए जिन से इसकी पहचान होती है। दीज एंटीजन आर सेपरेट फ्रॉम मोर कॉमन ब्लड सिस्टम लाइक ए बी ओ एंड RH। जो कॉमन बहुत ही ब्लड ग्रुप्स हैं वो ए बी ओ हैं और उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो ये एंटीजन बिल्कुल ही जो नया वाला ब्लड सैंपल मिला है, जो नया वाला ब्लड ग्रुप मिला है वो पुराने ब्लड ग्रुप से उसके एंटीजेंस बिल्कुल ही अलग हैं। हैविंग द एम एंटीजेंट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज। जो नया ब्लड ग्रुप मिला है उसमें जो एम एंटीजेन है वो कुछ खास बीमारियों के लिए, मतलब एक तरीके से कि उन जिन जिस इंसान में ये ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसमें कुछ कुछ बीमारियां बहुत आसानी से हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी। वाइल द एन एंटीजेन कैन इफेक्ट हाउ प्रोन समवन इज टू इन्फेक्शन। और जो एन एंटीजेन है वो इन्फेक्शंस को बढ़ावा देता है। तो एम और एन जो है एंटीजेन MAL ब्लड ग्रुप में मिला है, एक नया ब्लड ग्रुप है, अब तक टोटल 47 ब्लड ग्रुप्स मिल चुके हैं। तो ये जो है कुछ खास बातें थी। तो हमारे आज के करंट अफेयर में इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए।